पे अपने पास रखो, कल को आप 100 दिन चलाने के बाद उनको गाड़ी जमा कर दो, बाकी पैसे जो होता है वो रिफंड कर देंगे आपको। दोस्तों नमस्कार, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों मैं मदन अपने YouTube चैनल एटी ब्लॉग में करता हूँ स्वागत। गाइस आज के एक नए टॉपिक में आप बात करेंगे। टॉपिक क्या है कि हम लोग जो गाड़ियां ले रहे हैं ना, उस गाड़ियां को आंख बंद करके ले रहे हैं, उसको प्लीज रोकिए, रुकिए, पहले बात को पूरी समझिएगा, फिर आप लोग कमेंट करके रिप्लाई दीजिए कि मैंने जो बताया सही बताया गलत बताया। देखो आने वाला टाइम में क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में घुस रहे सभी बंदे, लेकिन अभी ओला हो या ओला तो नहीं, उबर ने अपनी एवरेज फ्लिस्ट की गाड़ियां लॉन्च कर रखी है मार्केट के अंदर। पहले था 500 से 700 रुपए किराया, अब उन्होंने कर दिया 900 से 1100 रुपए किराया लगभग। अभी मुझे पता नहीं है क्योंकि अभी क्या करंट मतलब लोगों ने जो जो लिया है, लेकिन जो मैंने उनके वेबसाइट मुझे पास जो कोटेशन आया था उसमें मैं देखा हूं, उसमें भी उन्होंने बोला कि आप ले लो गाड़ी, आप चलवाओ, मैं ऐसा ऐसा की बात है, सर्विस मेंटेन हम खुद कर लेंगे सारा कुछ। तो हमने मना कर दिया, मैंने कहा कि सर मेरे पास ऑलरेडी मेरे पास एक गाड़ी है, मैं अपने इसमें खुश हूँ, जैसे अभी ठीक हूँ, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें परेशान मत कीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक तरीके से बात बताना चाहता हूँ। देखो आप लोग लेना चाहते हो ठीक है, आप ले सकते हो, मैं मना भी नहीं कर सकता, लेकिन एक उसका एक ट्रॉम होता है, ट्रॉम मतलब कंडीशन, जो एक कंडीशन ये होता है कि उसको आप किस तरीके से देखते हो। अगर समझ लो कि कोई भी अगर लीगली काम करते हो ना, तो आप कहीं मार नहीं खाओगे, तो लीगली मतलब समझ सकते हो ना, जैसे कि आपने 30,000 या 35,000 में कंपनी को देते हो ठीक है, कंपनी एक आपसे एक एग्रीमेंट साइन करवाती है कि मतलब 100 दिन आपको गाड़ी कंटिन्यू चलानी है, 100 दिन कंटिन्यू चलानी है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम जोश जोश में गाड़ी ले तो लेते हैं, 15 दिन 20 दिन महीना दिन चला करके हमें लगता है यार कुछ होने वाला तो है नहीं, अब समझ नहीं आ रहा काम है या नहीं है, झूठ बोल लग रहा है सच बोल लग रहा है, तो हम लोग छोड़ देते हैं गाड़ियां ठीक है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई गाड़ियां लेना एक आसान चीज है, चलाना एक डिफिकल्ट है प्लेटफॉर्म, लेकिन छोड़ के मतलब चला कर छोड़ना मतलब 30-35 हजार जो आपने दिया है ना वो लॉस करना, तो वो चीज से आप थोड़ा दूर बच के रहे। जितना कोशिश हो कि भाई किसी की प्राइवेट बंदे की लेकर के अगर चलाते हो तो उसमें बेस्ट रहेगा आपको, तो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप उनसे लेते हो तो भाई एग्रीमेंट जो साइन कराते हैं उसका फोटो कॉपी अपने पास रखो, कल को आप 100 दिन चलाने के बाद उनको गाड़ी जमा कर दो, बाकी पैसे जो होता है वो रिफंड कर देंगे आपको, और उसमें मना नहीं करेंगे। कई बंदे के मैं उससे सुना हूं कि यार एवरेज फीस वाले पैसे जो लेते हैं ना वो रिफंड नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए इसमें हमारी गलती होती है, हम दूसरे की गलती नहीं मान सकते, क्योंकि कंपनी ने एक टर्म एक कंडीशन बना रखी है, उस कंडीशन को फॉलो करवाता है, नहीं करेंगे तो नुकसान आपका है दूसरे का नहीं है भाई, सीधी सी बात है ब्रो। बॉस मैं एक ही चीज जानना चाहता हूं कि देखो काम हमें करना है ना, तो काम हम अगर उस दिशा में काम करेंगे तो प्रॉपर दिल और मन तन से काम करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो एवरेज फ्लिस क्या करेगा, जो हमारा पैसा ब्लॉक करके रख देगा ठीक है, तो वो हमारा लॉस होगा। और दूसरी चीज जो उसका किराया बढ़ गया, पहले किराया था समझ लो कि 500 से 700 रुपए, अब 800 से 900 1000 रुपए ऐसे कुछ कर दिया है, तो भाई उसके लिए ट्रेनिंग हो मतलब ट्रेनिंग तो नहीं, आईडी प्रूफ होता है सारा, चेक बुक ये सब चीज, बिजली बिल, गवाह, पासपोर्ट साइज फोटो, ये सारी चीज देने के बाद आप एवरेज फिलिस की गाड़ी ले सकते हो और ओला उबर में ड्राइविंग कर सकते हो, ओला में नहीं कर सकते हो, उबर में कर सकते हो, ओनली उबर चला सकते हो, ओला नहीं देगा चलाने के लिए क्योंकि वो उसका परमिशन ही नहीं दी है ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से आपको जाके एवरेज फिलिस का जो बैगनार सेलेरियो डिजायर तो नहीं बैगनार सेलेरियो और प्रेस्को, तीन गाड़ियां है जो दे रहे हैं, और इसी तरीके से उबर ग्रीन भी आ गया है, उबर ग्रीन जिसको बोलते हैं उबर इलेक्ट्रॉनिक ग्रीन, तो उस तरीके से उसमें कुछ अलग है, उसमें ट्रेनिंग होगा, जैसे आपने देखा होगा स्मार्ट करके जो ऐप है, स्मार्ट मोबाइल ऐप, स्मार्ट ब्लू स्मार्ट करके, उस ऐप के तरीके का ही इन्होंने बनाया है, बट आने वाला टाइम में 2-4-5 साल 10 साल तक लगभग गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक चलेगी इस लाइन में, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट को क्या चाहिए, पॉल्यूशन फ्री,
समझ रहे हो, पोल्यूशन फ्री चाहिए तो पोल्यूशन फ्री के लिए सीएनजी पे इतनी लंबी लाइन लगना, ऐसा वैसा। तो आने वाला कंडीशन में आप लोगों को पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है। तो आप लोग सोच समझ के एवरेज फ्लिस की गाड़ी ले और चलाए। अब नहीं तो भाई आपस में किसी के मिल रहा है तो बहुत बेस्ट गाड़ी है, वो चलाओ, वो बेस्ट रहेगा, नहीं तो नुकसान कर बैठोगे। तो सो गाइस, आज का इन्फॉर्मेशन इतना ही था आप लोगों के लिए। और आप लोग को ये एवरेज फ्लिस की, भाई मैं तो रेकमेंड नहीं करता हूँ और ना मैं कभी इनके खिलाफ बोलूंगा कि हाँ भाई आप ले रहे हो या मत लो ऐसा, लेकिन आपको प्लीज सजेशन दिया, बाकी आपकी मर्जी है लेना नहीं लेना। बाकी लेंगे तो कंपनी कमाएगा, आप कमाएंगे, मुझे कुछ मिलने का तो है नहीं। नहीं लेंगे तो कंपनी का तो लॉस हो या आपका कमाए लॉस हो, उससे मुझे कुछ जाएगा नहीं। तो मैंने एक अपने बीच का विचार रख दिया आप लोगों के सामने, बाकी आप लोगों की मर्जी है लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताना। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।